हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी के थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। और फ्रेंड्स, जैसा कि इसके टाइटल से क्लियर है, द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि इसमें एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। पूरी स्टोरी में एक बच्चे की बात हो रही है जो कि एक मेले में खो गया था, और ये पूरी स्टोरी एक बच्चे के अपने माता पिता के प्रति प्यार को दर्शाता है कि एक बच्चा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में थोड़े टफ वर्ड्स के भी यूज़ किए गए हैं, बट ऐसे ही चैप्टर से तो आपकी वोकैबुलरी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होगा तो उसका आंसर आप खुद से ही लिख सकते हैं, उसे रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 71% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते तो हैं, बट उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का पर्व था। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु होता है, यानी कि बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स अर्थात ठंडी छाया से, विंटर का मतलब ठंडी या ठंडी का मौसम होता है, तो विंट्री शेड्स का मतलब हो गया ठंडी छाया। ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, लेन्स एंड एलीज का मतलब होता है पतली गली, एली का भी मतलब गली या फिर पगडंडी कह सकते हैं। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, यानी कि उन पतली गलियों की ठंडी छाया से, इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, इमर्ज्ड यानी कि निकल रहे थे, अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, गेली का मतलब प्रसन्नता और क्लैड का मतलब है पहने हुए या फिर धारण किए हुए, ह्यूमैनिटी का मतलब लोगों से है। तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, यानी कि उन पतली गलियों के ठंडी छाया से, इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी अर्थात खुशी धारण किए हुए लोगों की भीड़ निकल रही थी। इमर्ज का मतलब यहाँ पे है निकलना या फिर उमड़ना कह सकते हैं। अब इसके बाद कहा गया कि थिक एज स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इश्यूइंग फ्रॉम अ वॉरन, तो थिक एज अ स्वॉर्म अर्थात वो भीड़ इतनी घनी थी जैसे कि स्वॉर्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स, ब्राइट कलर रैबिट्स यानी रंग बिरंगे चमकदार और रंग बिरंगे खरगोशों का। स्वॉर्म मीन्स होता है झुंड, अर्थात वो भीड़ इतनी घनी थी जैसे कि चमकदार रंग बिरंगे खरगोशों का झुंड, स्वॉर्म का मतलब झुंड होता है। इशोइंग फ्रॉम अ वॉरन, यानी कि अपने बाड़े से इशोइंग अर्थात निकल रही हो, वह भीड़ इतनी घनी थी जैसे कि चमकदार रंग बिरंगे खरगोशों के झुंड, इशोइंग फ्रॉम अ वॉरन अपने बाड़े से निकल रहे हों। वॉरन का मतलब बाड़ा कह सकते हैं जिसमें खरगोशों को पाला जाता है। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, दे एंटर्ड अर्थात उन्होंने प्रवेश किया द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन अर्थात चांदी के समान चमकती हुई, स्पार्कलिंग का मतलब चमकती हुई, चांदी के समान चमकती हुई धूप के सागर में, उन्होंने चांदी के समान चमकती हुई धूप के सागर में प्रवेश किया। आउटसाइड द सिटी गेट्स, यानी कि जो सिटी गेट के बाहर की ओर था। एंड स्पेड टूवर्ड्स द फेयर, और मेले की ओर तेजी से चल दिए, स्पीड का ये सेकेंड फॉर्म है स्पेड, स्पीड का मतलब तेजी से चलना, तो एंड स्पेड टूवर्ड्स द फेयर, और मेले की ओर तेजी से आगे बढ़े। सम वॉक्ड, यानी कि कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े पे सवार थे, Others sat being carried in bamboo and bullock carts, अर्थात दूसरे लोग बांस के बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। One little boy ran, एक छोटा बच्चा दौड़ा, between his parents' legs, अपने माता पिता के पैरों के बीच से, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच से होकर गुजरा। Brimming over with life and laughter, यहाँ पे LIE लिखा हुआ है, बट यहाँ पे होना चाहिए था life, LIFE। तो brimming over का मतलब है भर कर, brimming का मतलब भरा हुआ। With life and laughter, life का मतलब यहाँ पे उत्साह हो जाएगा, laughter यानी खुशी, यानी कि एक छोटा बच्चा खुशी और उत्साह में भर कर अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ा। The joyous morning, अर्थात वह खुशहाल सुबह,
गेव ग्रीटिंग्स अभिनंदन कर रही थी एंड अनअशेम्ड इन्विटेशंस और खुला निमंत्रण दे रही थी. गेव अनअशेम्ड इन्विटेशन, अनअशेम्ड का मतलब यहाँ पे खुला से है, खुला निमंत्रण. टू ऑल यानी कि सभी को. द जॉयस मॉर्निंग वह खुशहाल सुबह सभी का अभिनंदन कर रही थी और उन सभी को खुला निमंत्रण दे रही थी. टू कम अवे अर्थात आने के लिए. इन टू द फील्ड्स खेतों में. फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग्स यानी कि जो खेत फूलों से और पक्षियों के यानी कि चिड़ियों के गीतों से भरे हुए थे. तभी क्या हुआ, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने बुलाया उस लड़के को कि आओ बेटे आओ. एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे छूट गया था. अरेस्टेड बाय द ट्वाइल्स इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. अरेस्टेड का मतलब यहाँ पे है आकर्षित होकर. बाय द ट्वाइल्स उन खिलौनों से. इन द शॉप्स यानी कि दुकान के, दुकान के उन खिलौनों से आकर्षित होकर. दैट लाइन द वे जिनकी पंक्तियाँ रास्ते में थी. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से आगे बढ़ा. हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल यानी कि उसके पैर उसके माता पिता की पुकार के प्रति आज्ञाकारी थे. यानी कि जैसे उसके माता पिता ने उसे बुलाया वह तुरंत उनकी ओर दौड़ कर गया. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग ट्वाइज, लेकिन उसकी आँखें अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, लिंगरिंग टिकी हुई थी. लिंगर का मतलब होता है टिके रहना. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग ट्वाइज, लेकिन उसकी आँखें अभी भी दूर जाती हुई उन खिलौनों पर टिकी हुई थी. रिसीडिंग का मतलब है दूर जाती हुई या फिर आँखों से ओझल होती हुई. तो हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग ट्वाइज, उसकी आँखें अभी भी दूर जाती हुई खिलौनों पर टिकी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, अर्थात जैसे ही वह लड़का उस स्थान पर आया जहाँ उसके माता पिता रुक कर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, वह अपने दिल की इच्छा को सप्रेस यानी कि दबा नहीं सका. ही कुड नॉट सप्रेस, वह दबा नहीं पाया द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, अपने दिल की इच्छा को. इवन दो ही वेल न्यू, भले ही वह बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था. द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, यद्यपि वह उनके उस पुरानी ठंडी इनकार की नज़र को अच्छे से जान रहा था. यानी कि यद्यपि उसे पता था कि उसके माता पिता उसके लिए खिलौने नहीं लेंगे, फिर भी वो कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए. ही प्लेडेड यानी कि वह गिड़गिड़ाया कि मुझे वह खिलौना चाहिए. आई वॉन्ट दैट टॉय. हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. हिज फादर लुकड एट हिम, उसके पिता ने उसकी ओर देखा रेड आइड यानी कि लाल लाल आँखें करके. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, फेमिलियर मीन्स होता है परिचित, टायरेंट्स का मतलब तानाशाह या फिर यहाँ पे हम क्रोधित कह सकते हैं, क्रोधित तरीके से. तो उसके पिता ने लाल लाल आँखें करके क्रोधित होकर उसकी ओर देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. हिज मदर यानी कि उसकी माँ मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो दिन के उत्साह से पिघली हुई थी. मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो दिन के मुक्त उत्साह से पिघली हुई थी. वॉज टेंडर, वह थोड़ी विनम्र थी यानी कि उसकी माँ थोड़ी विनम्र थी. टेंडर का मतलब विनम्र कह सकते हैं. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसे अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए सेड, वह बोली लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, यानी कि देखो बेटे तुम्हारे आगे क्या है. द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर, फेंट डिस्गस्ट का मतलब है हल्की निराशा. ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर, बच्चे के अतृप्त इच्छा की हल्की निराशा. हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, अभी दबी तक भी नहीं थी. हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, क्वेल्ड का मतलब दबना होता है. अभी दबी भी नहीं थी अर्थात कह सकते हैं कि शांत भी नहीं हुई थी. इन द हैवी पॉटिंग शॉप, पॉटिंग का मतलब कह सकते हैं मुंह फुलाना, जैसे लोग, जैसे बच्चे जब रोते हैं मुंह फुला के रोते हैं, और सॉब का मतलब होता है सिसकना. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि और वह बच्चा अभी सिसक कर माँ ही कहा था. व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, तो हम कह सकते हैं कि तभी वह खुशहाल दृश्य जो उसके सामने था फिल्ड हिज ईगर आई, अर्थात उसकी उत्सुक आँखों में भर गया. तो हम कह सकते हैं कि अभी उसकी निराशा शांत भी नहीं हुई थी और वह रोते हुए माँ कहा ही था
तभी वह सुखमय दृश्य जो उसके सामने था उसकी ईगर आई यानी कि उत्सुक आँखों में भर गया। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड यानी कि उन्होंने वह धूल भरा रास्ता छोड़ दिया था ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार जिस पर वे अब तक चल रहे थे। दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड उन्होंने वह धूल भरा रास्ता छोड़ दिया था ऑन विच दे हैड वॉक्ड सो फार तो जिस पर वे अभी तक चल रहे थे। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्किटसली टू द नॉर्थ और वह रास्ता चक्कर काटता हुआ उत्तर की ओर जा रहा था। वेंडेड का मतलब है वह रास्ता जा रहा था। इट्स वेरी वे, वेरी का मतलब थका देने वाला रास्ता, वेरी वे और वह रास्ता थका देने वाला था और वह चक्कर काटते हुए उत्तर की ओर जाता था। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड और अब वे एक खेत की पगडंडी पर आ गए थे। फुटपाथ का मतलब यहाँ पे पगडंडी है। इट वॉज़ अ पावरिंग मस्टर्ड फील्ड यानी कि यह एक सरसों का लहलहाता हुआ खेत था। पावरिंग का मतलब यहाँ पे लहलहाता हुआ है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड यानी कि पिघलते हुए सोने के समान पीला था। जैसा कि आप सरसों का फूल देखते होंगे वो बिल्कुल पीले रंग का होता है तो वही यहाँ पे कहा गया कि पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड यानी कि पिघलते हुए सोने के समान वो पीला था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। स्वेप्ट अक्रॉस का मतलब है फैला हुआ हो, जैसे कि यह फैला हुआ हो। अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स यानी मीलों तक ऑफ इवन लैंड यानी कि समतल मैदान में, जैसे कि यह समतल मैदानों में मीलों तक फैला हुआ हो। अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट जो कि एक पीले रंग के तरल प्रकाश की नदी के समान लग रहा था। तो यहाँ पे उस सरसों के खेत को एक नदी के समान मान लिया गया है और कहा गया कि एबिंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड वाइंड जो कि चक्कर काटती हुई हवा के झोंकों के साथ एबिंग एंड फॉलिंग यानी कि नीचे उतर रहा था और बह रहा था। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस और जगह जगह पर बिखर भी जाता था इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ जो उप नदियाँ होती हैं। तो एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस इनटू अ ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स और जगह जगह पर छोटी छोटी नदियों की धाराओं की तरह बिखर जाता था। येट रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टूवर्ड्स द डिस्टेंट मिराज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट यानी कि फिर भी वह धूप का बहाव उस चांदी के प्रकाश के सागर के मिराज यानी कि मृगरीचिका तक फैला हुआ था। और ये मिराज यानी कि मृगरीचिका किसे कहते हैं, जैसे हम किसी समुद्र के पास जब होते हैं तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे रेत होगी, एक टापू है, बट जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो ऐसा होता नहीं, वहाँ पे एक्चुअली पानी ही रहता है। जैसे हम कभी कभी जब धूप में चलते हैं तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी पानी है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो इसको, ऐसे स्थान को हम मिराज यानी कि मृगरीचिका कहते हैं और यहाँ पे उस सागर के मृगरीचिका की बात हुई है। वेयर इट एंडेड यानी कि जहाँ यह समाप्त होता था, अर्थात वो जो सरसों का खेत था वो जहाँ पे समाप्त होता था। ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब झुंड से है, ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेज यानी कि उसके एक तरफ मिट्टी के बने घरों का झुंड था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय अ डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मैन एंड वीमेन फ्रॉम विच अरोज अ हाई पिच सीक्वेंस और उसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि वहाँ पे पीले वस्त्रों में, येलो रोब्ड का मतलब पीले वस्त्रों में पुरुष और महिलाओं की भीड़ से अरोज अ हाई पिच सीक्वेंस बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, शोर गुला रहा था, ऑफ विस्लिंग सीटी बजाने की, क्रैकिंग यानी कि चरमराने की आवाज़, स्क्वीकिंग किकियाने की आवाज़, रोरिंग यानी दहाड़ने की आवाज़ एंड हमिंग नॉइजेज और भनभनाने की आवाज़ आ रही थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव्स जो उस कुंज से होते हुए टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई यानी कि नीले आकाश तक जा रहा था वह शोरगुल, लाइक द वियर्ड स्ट्रेन साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर जो भगवान शिव के अद्भुत अट्टहास की तरह लग रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर यानी कि बच्चा अपने माता पिता की ओर देखा। सैचुरेटेड विद द श्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी जो, अर्थात उसके माता पिता उस विशाल वैभव के आश्चर्य और आनंद में डूबे हुए थे। एंड फीलिंग और यह महसूस कर रहे थे दैट दे टू कि वे भी वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन दियर फेसेस कि वे भी अपने चेहरे पर इस आनंद के साक्ष्य को, वोर का मतलब है धारण किए हुए हैं।
अर्थात उनका चेहरा देखने से लग जाता था कि वे कितने ज़्यादा प्रसन्न थे। ही लेफ्ट द फुटपाथ, उसने फुटपाथ यानी कि पगडंडी को छोड़ दिया, एंड प्लंज्ड हेडलॉन्ग, और आगे कूदा। प्लंज का मतलब कूदना है, तो यहाँ पर उस छोटे बच्चे की बात हो रही है कि ही लेफ्ट द फुटपाथ, उसने पगडंडी छोड़ दिया, एंड प्लंज्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, और आगे खेत में कूद पड़ा। प्रैंसिंग लाइक अ यंग कॉल्ट, यानी कि एक छोटे बछड़े के समान उछलते कूदते हुए, हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो उस चंचल हवा के साथ साथ तालमेल मिला के चल रहे थे। दैट केम रिच विद द फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, जो दूर के उन खेतों से सुगंध लेकर आ रहा था। अर्थात उस चंचल हवा के साथ उसके पैर तालमेल मिला रहे थे जो सुदूर खेत का सुगंध लेकर आ रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज वास्तव में एक तितली के ही समान होता है, जिसे हम लोग अपने गांव में तो तितल कहते हैं, और उसकी पूंछ में बच्चे रस्सी वस्सी बांध के उसको उड़ाते हैं ऐसे ही। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज यानी कि ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह, वर बसलिंग अबाउट, बसलिंग अबाउट का मतलब इधर उधर मंडरा रहा था, ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स, अर्थात अपने भड़कीले बैगनी रंग के पंखों से। तो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह अपने भड़कीले बैगनी रंग के पंखों से इधर उधर मंडरा रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ एलॉन ब्लैक बटरफ्लाई, अर्थात एक काली तितली के फ्लाइट यानी कि उड़ान में इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, जो एक काली तितली के उड़ान में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो तितली फूलों से मधुरता की तलाश में थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, अर्थात उस बच्चे ने उनका पीछा किया, अर्थात उन ड्रैगन फ्लाइज का पीछा किया, इन द एयर हवा में, विद इज गेज, विद इज गेज का गेज मीन्स होता है घूरना, अर्थात एक टक देखते हुए उस बच्चे ने उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से कोई एक अपने पंखे मोड़ कर आराम नहीं करने लगा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और तब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन वह फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाते हुए फ्लैपिंग अप इन टू द एयर हवा में उड़ गई। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वह उसे लगभग पकड़ने ही वाला था, लेकिन जब वह उसे लगभग पकड़ने ही वाला था तो वह फड़फड़ाती हुई हवा में उड़ गई। वन बोल्ड ब्लैक बी, बोल्ड ब्लैक का मतलब बिल्कुल काली, बी का मतलब मधुमक्खी, एक बिल्कुल काली मधुमक्खी, हैविंग इवेडेड कैप्चर, जो उसके पकड़ से बच निकली थी, इवेडेड का मतलब होता है बच निकलना, सॉट टू टेम्प्ट हिम, अर्थात उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, बाई विनिंग राउंड हिज ईयर, उसके कानों के चारों ओर भनभना कर, एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और लगभग उसके होंठ पर बैठने ही वाली थी, और वह मधुमक्खी उसके होंठ पर लगभग बैठने ही वाली थी। वैन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे चेतावनीपूर्ण आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, पगडंडी पर आओ। तो उसकी माँ ने तभी उसे पगडंडी पर आने के लिए बुला लिया। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास गया, गेली यानी खुशी से, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके साथ साथ चला, अब्रेस्ट का मतलब होता है साथ साथ, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके साथ साथ चला, फॉर अ वाइल यानी कुछ समय तक। तो वह लड़का खुशी से अपने मम्मी पापा के पास दौड़ा और कुछ समय तक उनके साथ साथ चला। बींग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और शीघ्र ही वह पीछे छूट गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ, यानी कि फुटपाथ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर वह फिर से शीघ्र ही पीछे छूट गया। दैट वर ट्रीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल रही थी, ट्रीमिंग आउट का मतलब झुंड में निकलना, तो दैट वर ट्रीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने छिपने के स्थान से झुंड में बाहर निकल रही थी, टू एन्जॉय द सनशाइन, धूप का मज़ा लेने के लिए। अब फिर उसके माता पिता ने बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, उसके माता पिता ने कुंज की छाया से उसे बुलाया। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ वे कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह दौड़ कर उनके पास गया। एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़, आउट स्ट्रेस्ड इट्स पावरफुल आर्म्स
ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामुन एंड नीम एंड चंपक एंड सिरसा। तो एक पुराना बरगद का पेड़ आउटस्ट्रेच्ड यानी कि जो फैलाए हुए था इट्स पावरफुल आर्म्स अपनी शक्तिशाली भुजाओं को अर्थात अपनी शाखाओं को फैलाए हुए था। ओवर द ब्लॉसमिंग जैक का मतलब है फूल खिले हुए कटहल के पेड़ एंड जामुन जामुन के पेड़ नीम के पेड़ चंपक के पेड़ और सिरसा के पेड़ों पर अपने पावरफुल आर्म्स को अपनी शाखाओं को फैलाए हुए था। एंड कास्ट इट्स शेडोज़ और इसकी छाया पड़ती थी अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन गुलमोहर और उसकी छाया सुनहरे कैसिस और लाल रंग के गुलमोहर के ऊपर पड़ रही थी। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स ओवर हर यंग वंस जैसे कि एक दादी जी स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स यानी कि अपने आँचल फैलाती हैं ओवर हर यंग वंस अपने छोटे बच्चों पर जैसे कि एक बूढ़ी दादी जी छोटे बच्चों पर अपना आँचल फैलाती हैं। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स ब्लशिंग का मतलब लालिमा होता है यानी कि हल्के लाल रंग के। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स फ्रीली ऑफर्ड दियर एडोरेशन और एडोरेशन का मतलब भक्ति होता है लेकिन वे लाल रंग के फूल अपनी भक्ति को ऑफर कर रहे थे अपनी भक्ति चढ़ा रहे थे टू द सन सूरज को लेकिन वो लाल रंग के फूल सूरज को अपनी भक्ति चढ़ा रहे थे। इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरॉन अर्थात इसके बावजूद कि वे उनका जो प्रोटेक्टिंग चैपरॉन यानी उनका जो संरक्षक था अर्थात यहाँ पे उस बरगद के पेड़ की बात हुई है तो चैपरॉन का मतलब संरक्षक होता है सुरक्षा करने वाला। तो इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरॉन इसके बावजूद कि उनका जो संरक्षक था बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ जो उन्हें आधा ढके हुए था एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन और उनके पोलन का मतलब होता है फूलों का रस और उनके फूलों के रस से आने वाली मीठी सुगंध मिंगल्ड विद अ सॉफ्ट कूल ब्रीज यानी कि उस ठंडी और शीतल हवा में घुल मिल गई थी। मिंगल्ड का मतलब घुल मिल जाना एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन अर्थात और उन फूलों के रस की मीठी सुगंध मिंगल्ड घुल मिल गई थी विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज उस शीतल हवा में दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पप्स जो छोटे छोटे झोंकों में आती जाती थी वो जो हवा छोटे छोटे झोंकों में आती जाती थी उनमें उन फूलों के रस की मीठी सुगंध घुल मिल गई थी। ओनली टू बी वॉफ्टेड अलॉफ्ट बाई अ स्ट्रॉन्गर ब्रीज वॉफ्टेड का मतलब होता है उड़ा ले जाना अलॉफ्ट मीन्स होता है ऊपर की ओर बाई अ स्ट्रॉन्गर ब्रीज का मतलब है तेज़ हवा और कभी कभी तेज़ हवाएँ उन छोटे छोटे सुगंधित हवा के झोंकों को क्या करती थी ऊपर की ओर उड़ा ले जाती थी। अब इसके आगे देखते हैं कि अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड यानी कि छोटे छोटे फूलों की बौछार फेल अपॉन द चाइल्ड उस बच्चे के ऊपर हो गई छोटे छोटे फूलों की बौछार उस बच्चे के ऊपर हुई एज ही एंटर्ड द ग्रुप जब उसने उस कुंज में प्रवेश किया जब वह बच्चा उस कुंज में प्रवेश किया तो छोटे छोटे फूलों की बौछार उसके ऊपर हुई। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स यानी कि अपने माता पिता को भूलकर ही बिगेन टू गैदर वह बटोरने लगा इकट्ठा करने लगा द रेनिंग पेटल्स यानी कि बरसते हुए पंखुड़ियों को इन हिज हैंड्स अपने हाथों में वह बच्चा अपने माता पिता को भूलकर उन फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में बटोरने लगा। बट लो लेकिन तभी क्या हुआ ही हर्ड द कोइंग ऑफ द डव्स यानी कि उसने कबूतरों के बोलने की आवाज़ सुनी एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स और अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ा शाउटिंग यानी कि चिल्लाते हुए दौड़ा द डव यानी कि कबूतर कबूतर द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स अर्थात वह बरसती हुई पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गई। अ क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेसेस अर्थात उसके माता पिता के चेहरे पर एक उत्सुकता की झलक थी टिल अ कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव एंड रिलीज दियर पेंट ऑफ सोल्स तभी एक कोयल अपनी दबी हुई आत्मा से एक प्यार भरा स्वर निकाली सोल का मतलब अंतर मन भी कह सकते हैं अपने दबे हुए मन से एक प्यार भरा स्वर निकाली यानी कि कोयल कूकने लगी। तब क्या हुआ कम चाइल्ड कम वे फिर से उस बच्चे को बुलाए कि आओ बेटे आओ दे कॉल्ड टू द चाइल्ड उन्होंने बच्चे को बुलाया हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपल्स राउंड द बनियान ट्री अर्थात जो उस बरगद के पेड़ के चारों ओर जाकर उछल कूद कर रहा था कैपल्स का मतलब होता है उछल कूद करना एंड गैदरिंग हिम अप और उसे उठाकर दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ वे उस पतली और घूमते हुए पगडंडी को पकड़ लिए
विच लेड टू द फेयर, जो मेले की ओर जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत से होकर। तो गैदरिंग हिम अप का मतलब है उसे उठाकर, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वे उस पतले और चक्कर काटते हुए पगडंडी पर आ गए, विच लेड टू द फेयर, जो मेले की ओर जाता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों के खेत से होकर। एज दे नियर द विलेज, जैसे वे उस गांव के नज़दीक आए, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, यानी कि बच्चे को और कई पगडंडियाँ दिखाई दी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, यानी कि जो भीड़ से भरी हुई थी, हर पगडंडियों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, और वे उस मेले के भंवर में एक साथ जाकर मिल रहे थे। व्हर्लपूल कहने का मतलब है कि वो जो मेला था, सेंटर में एक मेला था और चारों तरफ ढेर सारी पगडंडियाँ थी, चारों तरफ से लोगों की भीड़ आ रही थी, जो सभी उसी मेले में एक जगह पर जाकर मिल रहे थे। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, तो कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले के भंवर में जाकर मिल रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और तभी वह बच्चा अपने आप को उस मेले से आकर्षित और प्रतिकर्षित महसूस करता है। तो कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड का यूज़ यहाँ पे किया गया है उस मेले के लिए। तो रिपेल्ड का मतलब प्रतिकर्षित, एंड फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित। तो एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और अचानक वह बच्चा अपने आप को उस मेले से आकर्षित और प्रतिकर्षित महसूस किया, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था, यानी कि अब वो मेले में प्रवेश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट टू में। और अब आपको करना क्या है कि आप इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, और जितने भी मीनिंग हमने आपको बताए हैं उन सभी को नोट कीजिए और उसे तैयार कीजिए, क्योंकि जब मीनिंग तैयार रहेगा तभी आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है। तो इसका पार्ट टू मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।